जी हाँ, ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जरूर ये इस बार कहीं ना कहीं आखिरी माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद विधायकों को, किसी भी पार्टी के विधायकों को, उन्हें जरूर एक अल्टीमेटम दिया जाएगा, एक आखिरी वार्निंग जरूर दी जाएगी। ये तस्वीर उसी रात की खास तस्वीर है जब सीपी जोशी के घर यहाँ पर विधायक जो है गहलोत गुट के, वो इस्तीफा देने पहुंचे थे। आखिरकार अब ये मामला कहां तक पहुंचा, कौन सा अल्टीमेटम इन्हें दिया गया है, किस किस को घेरे में ले लिया गया है और किस पर इल्जाम लगाए गए हैं, इस खास रिपोर्ट में वही सब मैं आपको बताऊंगी। तो शुरुआत करती हूँ इस रिपोर्ट की। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। अब इस बीच यहाँ पर बड़ी जानकारी सामने आती हुई ये दिखाई दे रही है कि यहाँ पर पहली बार सामने आए 81 विधायकों के नाम। सबसे बड़ा खुलासा तो यही हुआ था कि वो 91 नहीं, वो 81 विधायक थे, और इसको लेकर जो बड़ी जानकारियां सामने आई है वो इस खास प्रोग्राम में लगातार मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आखिरकार अब किस पर निशाना साधा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विधानसभा सचिव का हाईकोर्ट से जवाब, गहलोत समर्थक MLA ने मर्जी से नहीं दिए थे इस्तीफे, ये दूसरा बड़ा खुलासा यहाँ पर होता नजर आया। पहला ये कि 91 नहीं 81 थे, दूसरा ये खुलासा कि यहाँ पर अपनी मर्जी से इस्तीफे नहीं दिए गए थे। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि गहलोत की वजह से या फिर उनके कहने पर शायद ही इस्तीफे दिए गए। अभी तस्वीर साफ दिखा रही है कि यहाँ पर अचानक से जिन विधायकों को बैठक में बुलाया गया था वो यहाँ पर बैठक की जगह सीपी जोशी के घर पहुंचे और जाके अपने इस्तीफे थमा दिए। उसके फिर कुछ टाइम बाद जब उन पर कार्रवाई होने लगी लगातार, तब अभी लेटेस्ट इसी महीने में उन्होंने अपने इस्तीफे वापस ले लिए। मजाक है पार्टी में ये सब हो रहा है, ये मजाक है, ये सवाल है, क्योंकि देखा जाए कि इस्तीफे दो उसके बाद वापस ले लो, पार्टी में इस्तीफे देने के बाद भी काम करते रहो, क्योंकि सरकार को चलाना है ये मतलब नहीं होता, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। अब इस बीच यहाँ पर ये बड़ी खबर सामने आई है कि इस्तीफों की फोटोकॉपी यहाँ पर दी गई, किन किन ने दी उसको लेकर बताएंगे। और ये 25 सितंबर का मामला था, और 25 सितंबर के बाद तीन तो ऐसे नेता थे जिन पर लगातार कार्रवाई करने की मांग की जा रही थी, और अभी भी कहीं ना कहीं उन पर ये तलवार लटकी हुई है, जिसमें राजेंद्र राठौड़ थे, शांति धारीवाल थे, महेश जोशी थे। ये तीनों नेताओं ने कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी ही पार्टी का सत्यानाश करने की कोशिश कर दी थी, और कहते हैं कि हम गहलोत के करीबी हैं और गहलोत के पक्ष में हमने लिया। अब यहाँ पर ये डर है कि अगर फिर से कोई ना कोई अनाउंसमेंट कर देती है पार्टी, तो क्या फिर से वही लोग इस्तीफे देते नजर आएंगे, इसलिए यहाँ पर हाईकोर्ट ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कर दी। अब यहाँ पर विधानसभा स्पीकर भी काफी सारे कारण बताते हुए नजर आए, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर क्यों सौंपा गया था आखिरकार असली में इस्तीफा, इस पर बड़ा खुलासा हुआ है, और फैसले में इतनी देरी क्यों हुई इसका भी एक बड़ा कारण बता दिया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस खास प्रोग्राम में आप आखिरी तक जुड़े रहेंगे और समझेंगे कि आखिरकार राजस्थान में सियासी समीकरण बन क्या रहा है, यहाँ पर उनके विधायक गहलोत के खिलाफ है या फिर पायलट के। तो चलिए बताती हूँ आगे की खबर। जैसा कहा था कि आगे की जानकारी भी दूंगी, तो बताती चलूँ आपको कि पिछले साल 25 सितंबर को इस्तीफा देने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समर्थक विधायकों के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। विधानसभा सचिव की तरफ से हाईकोर्ट में दिए हलफनामे में कहा गया है कि 81 विधायकों के इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे, इसलिए इन्हें मंजूर नहीं किया गया। उपनेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट चीफ जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच में सुनवाई हुई। विधानसभा सचिव की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पैरवी की। राज्य के महाधिवक्ता भी पेश हुए। अब अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने सोमवार को इस्तीफा देने वाले 81 विधायकों को पूरा ब्यौरा पेश किया। इसमें स्पीकर को इस्तीफा देने से लेकर इस्तीफे वापसी तक की पूरी फाइल नोटिंग भी हाईकोर्ट में पेश की गई। अब विधानसभा स्पीकर ने इस्तीफे वापस का कारण बताया। इसमें लिखा है कि सभी विधायकों ने अलग अलग मेरे सामने पेश होकर स्वैच्छिक रूप से इस्तीफे वापस लिए जाने के प्रार्थना पत्र पेश किए हैं। प्रार्थना पत्रों में यह साफ उल्लेख है कि उनके द्वारा पहले दिए गए इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे। सभी विधायकों ने राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधित नियम 173(4) के अनुसार
स्वैच्छिक रूप से अपने इस्तीफे वापस लिए है। ये मामला 10वीं अनुसूची का नहीं मंत्री और विधायकों के इस्तीफे का है, इसलिए इसमें 4 सप्ताह में फैसला करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं होता। 25 सितंबर को विधानसभा स्पीकर के सामने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचेतक महेश जोशी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी और राजस्व मंत्री रामलाल जाट, कांग्रेस विधायक रफीक खान और निर्दलीय विधायक और सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा खुद सहित 81 विधायकों के इस्तीफे लेकर गए थे। इनमें 5 विधायकों के इस्तीफे की फोटोकॉपी थी। 5 विधायकों ने फोटोकॉपी वाले इस्तीफे दिए थे। उनमें से 3 विधायक पहले पायलट कैंप में थे और सियासी संकट के समय गहलोत के कैंप में आए थे। इनमें चेतन डुड्डी, दानिश अब्रार और निर्दलीय सुरेश टाक शामिल हैं। गहलोत समर्थक अमित चाचड़ और गोपाल मीणा ने भी फोटोकॉपी वाला इस्तीफा सौंपा था। विधानसभा सचिव की तरफ से पेश जवाब में कहा गया है कि विधानसभा क्षेत्र सदस्यों की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधित नियम के अनुसार इस्तीफे तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक उनका स्वैच्छिक और वास्तविक होने का अध्यक्षीय समाधान नहीं हो जाता। इस्तीफों पर लंबा समय तक फैसले नहीं करने पर जवाब में स्पीकर की ओर से तर्क दिया गया और कहा कि हर विधायक ने अलग अलग इस्तीफे नहीं दिए थे, सामूहिक रूप से इस्तीफे पेश किए गए थे। इसमें 6 विधायकों ने खुद पेश होकर 81 विधायकों के इस्तीफे दिए थे। 5 विधायकों के इस्तीफे की फोटोकॉपी थी। इसमें कारण पूरी संतुष्टि और जांच पड़ताल के बाद ही फैसला करना जरूरी था। 30 दिसंबर 2022 को 24 विधायकों ने इस्तीफे वापस ले। 31 दिसंबर 2022 को 38 विधायकों ने और 1 जनवरी 2023 को 15 विधायकों ने स्पीकर के सामने पेश होकर इस्तीफे वापस लिए। 2 जनवरी 23 को 2 विधायकों ने इस्तीफे वापस लिए। 3 जनवरी 23 को निर्दलीय स्वयं लोढ़ा और 10 जनवरी 23 को कांग्रेस विधायक वाजिब अली ने इस्तीफा वापस लिया। 25 सितंबर को जिन 81 विधायकों ने इस्तीफा दिया था उनमें बीजेपी से निष्कासित विधायक शोभा रानी कुशवाहा धोलापुर भी शामिल थे। शोभा रानी ने राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दिया था, इसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। वहीं 10 दिन पहले सीएम अशोक गहलोत खेमे से जुड़े कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर हाईकोर्ट में विधानसभा स्पीकर से पूरा रिकॉर्ड मांगा है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में हलफनामे के साथ विधायकों के इस्तीफे, स्पीकर के फैसले और उन पर स्पीकर की टिप्पणी का पूरा रिकॉर्ड पेश करने को कहा है। सीजे पंकज मित्तल और जस्टिस शोभा मेहता की खंडपीठ ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की पीआईएल को शुक्रवार को सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। राजस्थान में पिछले साल 25 सितंबर को हुए 81 विधायकों के इस्तीफे के मसले पर सोमवार को अहम खुलासे हो सकते थे और वही इस्तीफों के मामले में हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिव से 30 जनवरी को हलफनामा दायर कर इस्तीफों से संबंधित फाइल पेश करने को कहा था। इस मामले में विधानसभा की ओर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी हाईकोर्ट पहुंचे थे। इसके साथ साथ ही इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में कैबिनेट में फेरबदल कर सकते हैं। इस फेरबदल में राजस्थान की भागीदारी को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई। भाजपा के जानकार सूत्र बताते हैं कि साल होने जा रहे चुनाव में जातिगत समीकरण साधने के लिहाज से केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजस्थान से कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए वो 25 सितंबर का दिन बस इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि हाँ बन ही गए हैं पायलट मुख्यमंत्री, क्योंकि यहाँ पर अशोक गहलोत का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आगे किया जा रहा था सोनिया गांधी की तरफ से, जिसको मना करते हुए यहाँ पर गहलोत ने सीएम पद संभालने की बात कही। उसके बाद यहाँ पर जैसी बात सामने आई तो कहीं ना कहीं विधायक इस्तीफा देने पहुंचे जिनकी संख्या 91 बताई जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके अब यहाँ पर बड़े बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आपका क्या कहना है पूरी खबर सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।